के दर्शन के लिए चित्रकूट जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे में तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन महिला श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। आरोपी बाइक चालक शराब के नशे में धुत है, वह भी हादसे में घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां हादसे के बाद से श्रद्धालु में कोहराम मचवा हुआ है। पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। बताते चले आपको, कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अंडवारा गाँव से एक श्रद्धालु का जत्था पैदल भगवान कामतानाथ के दर्शन के लिए चित्रकूट जा रहा था। यह जत्था सुदामापुरी गांव पहुंचा था, तभी अचानक शराब के नशे में तेज रफ्तार बाइक सवार ने महिला श्रद्धालु के जत्थे में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा होते ही श्रद्धालु में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि शराब के नशे में धुत बाइक सवार सीधा श्रद्धालु के जत्थे में जा घुसा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, इस बाइक ने एक एक करके चार महिला श्रद्धालु को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 35 वर्षीय महिला श्रद्धालु सर्वेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उमा देवी, रामरानी और मनु हादसे में घायल हो गए हैं। हादसा होते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तत्काल एम्बुलेंस और पुलिस को इसकी सूचना दी। श्रद्धालु के साथ सड़क हादसा होने की सूचना मिलते ही सीओ सिटी दीपक दुबे, शहर कोतवाल नरेंद्र प्रताप सिंह सहित कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने महिला सर्वेश को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन महिला श्रद्धालु का इलाज किया जा रहा है। तो वहीं आरोपी बाइक चालक भी शराब के नशे में घायल है। श्रद्धालु जायसवाल ने बताया कि सभी लोग भक्ति गीत गाते हुए चित्रकूट भगवान कामतानाथ के लिए दर्शन करने जा रहे थे, तभी शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने पीछे से जत्थे में टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि तीन महिलाएं को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। सीओ सिटी दीपक दुबे ने बताया है कि बाइक सवार तेज रफ्तार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनियंत्रित होकर उसने सीधा जत्थे में टक्कर मार दी। इस टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन महिलाएं सहित आरोपी बाइक सवार भी घायल हो गया था। सभी घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उनके परिजनों को भी घटना की सूचना भेज दी गई है। महोबा से इफ्तकार अली की रिपोर्ट। आज दिनांक 28 अगस्त 2024 को समय करीब 8 बजे सायंग ग्राम मंडवारा थाना फुलपहाड़ के कुछ पुरुष व महिला जो अपने गांव से महोबा होते हुए बाला की ओर जा रहे थे, एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से आकर उनको टक्कर मार दिया, जिससे मौके पर श्रीमती सर्वेश उम्र करीब 35 वर्ष की मृत्यु हो गई, तथा टक्कर से तीन अन्य महिलाएं उमा देवी, राम रानी एवं श्रीमती मन्नू घायल हो गई। साथ ही मोटरसाइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इन चारों का इलाज जिला अस्पताल महोबा में चल रहा है। समस्त आवश्यक एवं विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।